नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। मित्रों, जैसा कि हमने प्रैक्टिकल क्लास लाइव क्लास देख लिया है, बाकी अब कुछ बच्चों का कहना था, कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर हमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पढ़ाइए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बताइए कि एमएस ऑफिस में कैसे हम लोग काम करते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस में, और एमएस ऑफिस के कितने पार्ट्स होते हैं, एमएस ऑफिस को कैसे ओपन करते हैं। एमएस वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, जो एमएस ऑफिस का फर्स्ट टाइप्स होता है वो होता है एमएस वर्ड। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे एमएस वर्ड। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं आगे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पर चलते हैं कि हम लोग एमएस वर्ड कैसे पढ़ते हैं, एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड कैसे यूज़ करते हैं, उसमें कितने मेनूज होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं एमएस वर्ड सबसे पहले ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करने का जो हमारा तरीका है, हम लोग या तो स्टार्ट बटन, देखिए यहाँ पे साइड में स्टार्ट बटन दी हुई है, या तो यहाँ पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम में जाएँ, फिर यहाँ पे एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, जो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस दे रहे हैं, नौ ऑप्शंस दे रहे हैं। अब नौ ऑप्शंस दे रहे हैं, इसमें से एक है एमएस वर्ड, जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम लोग देखिए विंडोज 7 पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग ऑफिस 7 पे पढ़ेंगे, ऑफिस 7 के बारे में जानेंगे। हम लोग हाई लेवल का भी हम लोग बना चुके हैं वीडियोस, लेकिन आप लोग 7 पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है और समझ में आता है। तो सारे बच्चों को समझने के लिए एमएस ऑफिस 7 जो होता है वो बेस्ट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस ऑफिस 7। हम लोग जब यहाँ पर क्लिक करते हैं एमएस ऑफिस, जो हम लोग क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से एक ऑप्शन है हमारा, एमएस ऑफिस खुल जाता है। खुल गया, देखिए एमएस ऑफिस खुल गया ना, तो ये हमारा ऑप्शन है एमएस ऑफिस खोलने का, ये पब्लिशर खुल गया बाय मिस्टेक। हम लोग यहाँ पे जाएंगे एमएस ऑफिस में और वर्ड पे जाएंगे, तो देखिए एमएस ऑफिस वर्ड हमारा खुल जाएगा। देखिए एमएस वर्ड खुल गया, एमएस वर्ड खुल गया, हम इसको कट कर देते हैं। फिर से हमारा दूसरा ऑप्शन होता है विंडोज प्लस आर, क्या है विंडोज प्लस आर, विंडोज प्लस आर जब हम लोग दबाएंगे तो रन कमांड खुलेगा, कौन सा कमांड खुलेगा, रन कमांड खुलेगा। फिर उसके बाद हम लोग कंट्रोल की जगह क्या करेंगे, यहाँ पे विन वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे विन वर्ड लिखेंगे, विन वर्ड लिख जो ही हम लोग इंटर करेंगे ऑटोमेटिक हमारा एमएस वर्ड खुल जाएगा। खुल गया एमएस वर्ड, खुल गया। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि एमएस वर्ड क्या होता है। देखिए एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग डेली यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ, कोई भी रिज्यूम बनाना हुआ, कोई भी बायोडेटा बनाना हुआ, कोई भी ऑफिशियल वर्क करना हुआ, टेबल बनाना हुआ, कुछ भी टाइपिंग करना हुआ, यहां तक कि टाइपिंग के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं एमएस वर्ड यूज करते हैं। अब हम लोग सीधे ज्यादा चर्चा ना करते हुए सीधे हम लोग आते हैं टॉपिक पे, प्रैक्टिकल पे चलते हैं कि एमएस वर्ड हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एमएस वर्ड पे। देखिए जो हमारा एमएस वर्ड होता है वो सामने दिख रहा है, यही हमारे एमएस वर्ड का पूरा फंक्शन है जो हम जिन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या दिया, ये है ऑफिस बटन, क्या है ये है ऑफिस बटन। जब हम लोग यहां पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इतने ऑप्शंस दिख रहे हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, ये सारे ऑप्शन जो हैं वो ऑफिस बटन पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब ऑफिस बटन के अगर ऑप्शंस को हम लोग जाने तो सबसे पहले हमारा है न्यू, क्या है सबसे पहले हमारा है न्यू। न्यू का मतलब होता है कि हम लोग कोई भी न्यू पेज ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन बनाया, कोई भी डेटा तैयार किया, फिर उसके बाद हमें न्यू पेज लेना है तो हम लोग यहाँ क्लिक करके न्यू पेज ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है ओपन। अब ओपन आप लोग जानते हैं कि जो भी डेटा हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं उस डेटा को अगर हमें ओपन करना हो, ठीक है, उस डेटा को अगर हमें ओपन करना हो तो हम ओपन का प्रयोग करते हैं। इन सब की शॉर्टकट की भी होती है, जैसे न्यू का कंट्रोल प्लस एन, क्या होता है कंट्रोल प्लस एन, ओपन का क्या होता है कंट्रोल प्लस ओ। तो ये सारी क्या है शॉर्टकट कीज हैं। अगर हम बात करें किसकी, बात करें सेव की, तीसरा सेव है, तो हम कोई भी डेटा जब तैयार करते हैं तो हमें उसे सेव भी करना होता है। जब हम कोई डेटा सेव करते हैं तो वो हम आसानी से सेव कर सकते हैं किसी भी फाइल में, तो सेव मेनू का हम लोग यूज करते हैं। फिर अगला है हमारा सेव एज, क्या है सेव एज है, तो सेव एज मतलब क्या होता है,
कि एक डेटा को कई बार सेव करना हम लोग आसानी से सेव एज का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी डेटा हमने बनाया, क्या किया, कोई भी डेटा हमने बनाया, तो वो ऑटोमेटिक कहाँ सेव होगा, डॉक्यूमेंट में सेव होगा। लेकिन अगर उसे मुझे और कहीं भी सेव करना है, दो चार जगह पे सेव करना है, तो सेव एज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ से जब हम लोग जाएंगे तो हमारा माई कंप्यूटर खुलेगा। माई कंप्यूटर में जाने के बाद जिस फाइल में जिस फोल्डर में जाना है उसमें हम लोग ऑटोमेटिक जाके आसानी से हम लोग क्या, हम लोग आसानी से सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा प्रिंट। अब प्रिंट तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी हम लोग क्या करेंगे, आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी डेटा हमें प्रिंट करना हुआ तो हम लोग आसानी से यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट मतलब प्रिंट करना, वो बताएगा कि कौन कौन सा आपको चेक करना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ प्रिंट किया तो आटो ये हमारा ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, ये बताएगा कि कौन से आप लोगों ने प्रिंटर लगाया है, सेटिंग है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे एक वीडियो में। फिर उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, हमारा दूसरा ऑप्शन क्विक प्रिंट, मतलब तुरंत प्रिंट करेगा। यह ऑप्शन भी नहीं पूछेगा आपसे कि क्या प्रिंट करना है क्या नहीं प्रिंट करना, सेलेक्ट जिस पे रहेगा ऑटोमेटिक ले लेगा वो बाय डिफॉल्ट, और क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रिंट प्रीव्यू। क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी डेटा जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो उसे अगर दिखना है कि कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है, तो प्रिंट प्रीव्यू पे हम लोग जाते हैं। अगला है प्रिपेयर। प्रिपेयर में प्रॉपर्टीज आता है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट आता है, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट आता है, ऐड डिजिटल सिग्नेचर आता है, मार्क्स फाइनल आता है, ये सारी चीजें किसमें आता है, प्रिपेयर में आता है। सेंड। अब सेंड हम लोग दो ऑप्शन है, पहला ईमेल और दूसरा इंटरनेट फैक्स। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि कोई भी डेटा को हम लोग ईमेल पर सेंड कर सकते हैं, इंटरनेट फैक्स पे कर सकते हैं, ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब अगर रही पब्लिश की बात, तो पब्लिश ब्लॉग्स। ब्लॉग्स जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं भाई, गूगल में जितने भी मैटर आप लोग पढ़ते हैं वो ब्लॉग्स के द्वारा दिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेज सर्वर जो होता है वो भी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर का भी हम लोग क्या करते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्कशॉप कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लोज, जब हम लोग क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, ये एमएस वर्ड जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब काम की बात करते हैं हम लोग। देखिए ये जो हमारा सामने दिया हुआ है पेस्ट, क्या दिया हुआ है, पेस्ट दिया हुआ, ये तब काम करेगा जब कोई भी मैटर यहाँ पे लिख देंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए ये मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है, ये मैटर हमारा लिखा हुआ है। अब जब ये मैटर लिखा हुआ है तो आप ये समझिए कि हम लोग कुछ भी सेलेक्ट करेंगे, जब तक हम लोग कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ भी काम नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए पेस्ट में भी क्या है, पेस्ट फ्रॉम आता है, पेस्ट स्पेशल आता है, पेस्ट आता है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी मैटर को क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया, अब देखिए हम यहीं क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। जितनी बार पेस्ट करेंगे, देखिए पेस्ट 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 होता जा रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये जितनी बार आप यहाँ पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिक पेस्ट होता जाएगा, तो पेस्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ से कट किया और कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब ये ऑप्शन है कट का, ये कट कर सकते हैं हम लोग। कोई भी डेटा यहाँ से सेलेक्ट किया हमने इतना, और क्या किया, यहाँ से कट कर दिया। अब देखिए डेटा गायब हो गया, कट हो गया कि नहीं हो गया। फिर उसके बाद है फॉर्मेट प्रिंटर। ये क्या है, ये क्या करता है कि वन फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर प्लेस। एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर हम लोग वही केस अप्लाई कर सकते हैं जो केस हमने लिखा है। जैसे मैंने पाइथन को लिखा है, तो ये पाइथन है। अब पाइथन को इसी अगर अप्लाई करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसी केस में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा फॉर्मेट प्रिंटर है। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। ये होता है हमारा फॉन्ट, क्या है, ये होता है फॉन्ट। इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, क्या होता है, आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त वीडियो बना रहे हैं। तो ये फॉन्ट होता है जो हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ होता है, जिससे हम लोग फॉन्ट अपना कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इस फॉन्ट को चेंज करना है, तो हम इसको सेलेक्ट किया हमने और हम गए किसी भी फॉन्ट को चूज़ कर लेते हैं। देखिए इसको चूज़ कर लिया और ये क्या हो गया, ये फॉन्ट अलग हो गया, हो गया ना, ये फॉन्ट क्या हो गया, अलग हो गया। अगर हम इसको बोल्ड करना चाहें, ये बोल्ड है हमारा। अब कंट्रोल प्लस बी इसका शॉर्टकट की होता है, हम लोग बोल्ड कर सकते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए हमने डेटा इतना सेलेक्ट किया और बोल्ड करना, देखिए बोल्ड हो गया कि नहीं हो गया,
हो गया ना बोल्ड। इसी तरीके से हमें मान लीजिए ये डेटा को अंडरलाइन करना है, तो ये अंडरलाइन का ऑप्शन है, देख रहे हैं ना, अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू, जो ही हमने क्लिक किया देखिए ये अंडरलाइन हो गया, इतना दूर अंडरलाइन हो गया ना। तो अब इसी तरीके से इटैलिक होता है, कंट्रोल प्लस आई, इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा है, हमने क्या किया इतना सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इटैलिक कर दिया। कंट्रोल प्लस आई हम लोग शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं आगे, ये है हमारा क्या है, ये स्ट्राइक थ्रू है, मतलब इसे अगर गलत दिखाना है कि ये गलत है इतना, तो हम लोग स्ट्राइक थ्रू का अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमने अप्लाई कर दिया, ये कट का ऑप्शन आ गया, ऊपर से एक लाइन आ गई ना, जब एक लाइन आ गई तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ये गलत है, बता रहा है ना ये गलत है, तो इसका भी प्रयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक ऑप्शन होता है जो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, क्या होता है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, तो जो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ये कुछ भी लिख दिया, इसका थोड़ा हम लोग फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, मोटा दिख रहा है ना, तो हम लोग थोड़ा नॉर्मल फॉन्ट ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ भी लिख दिया, इसके बाद क्या हुआ कि जैसे हमें किसी का पावर देना होता है, जैसे मान लीजिए हमने 6 लिखा और इसका पावर देना है नीचे, तो हम क्या करेंगे, हमने 2 लिखेंगे और इस 2 को सेलेक्ट करके सब स्क्रिप्ट कर देंगे। देखिए 6 के नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 6 के नीचे दिख रहा है ना, इसी तरीके से सुपर स्क्रिप्ट होता है। अब हम लोग सुपर स्क्रिप्ट को भी यहाँ से सेलेक्ट करके ये प्रेस करेंगे, देखिए 6 के ऊपर चला गया, हो गया ना। तो ये क्या होता है कि ये हमारे मैथ्स में सेटिंग्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे एमएस वर्ड में जो है अप्लाई होता है। तो दोस्तों इसको आप लोग आसानी से समझ लीजिए, ताकि आप लोगों की पूरी ज़िंदगी काम आने वाली चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद होता है हमारा ये क्या है, ये चेंज केस होता है। जैसे मान लीजिए ये सारी चीज़ इस माल में लिखा हुआ है, क्या है, ये सारी चीज़ इस माल में लिखा हुआ है ना, अब देखिए हम आपको बताते हैं। अब इन सारे चीज़ों को मान लीजिए हमें एक साथ कैपिटल करना है, तो हमें क्या, कौन से ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, चेंज केस का ऑप्शन प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए हमने क्या किया, मान लीजिए इतना सेलेक्ट कर लिया पूरा, अब हम चेंज केस पे गए, सॉरी चेंज केस पे गए, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस, मतलब क्या हुआ, ये सारे चीज ऑप्शंस दिए हैं। अब हमें सेंटेंस केस में करना है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देखिए सेंटेंस केस में हो गया, जैसे सेंटेंस लिखा रहता है बुक्स वगैरह में वैसे हो गया। फिर उसके बाद हम लोग लोअर केस में, यहाँ लोअर केस में कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद अपर केस, देखिए सारे वर्ड्स अपर केस में हो गए कि नहीं हो गए, सारे वर्ड्स अपर। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो क्या होगा कि सारे वर्ड जो है वो पहले हम लोग स्मॉल में कर लेते हैं, कैस में करेंगे, इस लोअर केस में कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब पहले वर्ड के सारे अक्षर, पहले लाइन पहले वर्ड्स के सारे अक्षर देखें कैपिटल हो गए, हो गए ना। इस तरीके से हमारा होता है टूगल केस, ही क्या होता है, पहला स्मॉल होता है और सारे कैपिटल होते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, चेंज केस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता है यहाँ फॉन्ट साइज, हम लोग फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए आसानी से जितना हम लोग चाहेंगे उतना हम लोग फॉन्ट साइज आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं मित्रों, ठीक है। उसके बाद होता है ये हमारा क्या है, ये होता है ग्रो फॉन्ट, जिसको हम लोग कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन से प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इतना सेलेक्ट कर लिया मैटर, इतना सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। उस तरीके से यहाँ से हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं, हो गया, इतना हम लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस जो होते हैं मित्रों आप लोगों के सामने। अब ये क्लियर फॉन्ट है, अब क्लियर फॉन्ट का मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कितना भी इफेक्ट दिया है, कुछ भी दिया है, फॉन्ट दिया है, सारे चीज़ों को अगर हमें क्लियर करना है, साफ सुथरा अपने अकॉर्डिंग करना जैसा पहले था, तो हम लोग क्या करेंगे, इस देखिए इसमें फॉन्ट है ना, हम लोग इस यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लियर फॉन्ट, देखिए एकदम अपने रंग में आ गया, यानी कि एक्चुअलिटी जो होती है एमएस वर्ड की उसमें आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं पैराग्राफ्स में, ठीक है। पैराग्राफ की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले होता है बुलेट्स, क्या होता है, बुलेट्स होता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से देखिए ये सारे बुलेट्स हैं, है ना, तो ये जितने भी फुल स्टॉप के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं केस। जैसे मान लीजिए हमने ये बुलेट्स ले लिया, अब यहाँ पे हमने लिखा इंटर मारा, देखिए बुलेट्स अप्लाई हो रहा है ना,
अप्लाई होता चला जा रहा है। तो हम लोग जितना भी लिखना चाहें यहाँ से आसानी से हम लोग बुलेट्स ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, बुलेट लेने के बाद नंबरिंग है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी डेटा तैयार कर रहे हैं, क्या कोई भी डेटा तैयार कर रहे हैं, और डेटा को जब हम तैयार कर रहे हैं तो उसे नंबरिंग देना है। तो हम लोग देखिए, हम जो ही जाएंगे 1 2 3 पे, देखिए वहाँ वो सामने देखिए 1 2 3 यहाँ दिख रहा था कि नहीं, उसी तरीके से हम जाएंगे यहाँ रोमन लेटर में तो रोमन में दिखेगा। हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे हम लोग आसानी से नंबरिंग दे सकते। उसी तरीके से करंट लिस्ट होता है, क्या होता है करंट लिस्ट होता है। अगर हम करंट लिस्ट की बात करें जिसको मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग किसी भी डेटा को क्या करते हैं, किसी भी डेटा को मल्टी लेवल से बना सकते हैं। देखिए जैसा दिया हुआ है वैसा हम लोग बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो ये हमारा जो ऑप्शन है पैराग्राफ के लिए होता है, जिसमें सबसे पहला होता है बुलेट्स, दूसरा होता है नंबरिंग, और तीसरा होता है मल्टी लेवल लिस्ट। हमने तीनों समझ लिया। फिर उसके बाद हम चलते हैं नीचे। नीचे हमारा ऑप्शन है एलाइजन टेक्स्ट, क्या है लेफ्ट का। तो एलाइजन जो होता है वो लेफ्ट में अगर हमें करना है, मान लीजिए सपोज दैट हमने इस डेटा को पहले तो हम डिलीट कर देते हैं। अब मान लीजिए ये डेटा हमारा है, इतना ही मैंने लिखा मां सपोज दैट, अब इसे हमें लेफ्ट में करना है। तो हमारे पास शॉर्टकट की भी होती है और हमारे पास ऑप्शन भी होते हैं। तो कंट्रोल प्लस यस करेंगे तो भी लेफ्ट में आ जाएगा, और अगर हम लोग इसका यूज करेंगे तो भी आ जाएगा। अब हमें अगर बीच में करना है, किस में करना है, सेंटर में, तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए हमारा मैटर ऑटोमेटिक सेंटर में हो गया। हो गया, फिर उसी तरीके से जो एलाइजन राइट का होता है कंट्रोल प्लस आर से हम लोग राइट कर सकते हैं, हमारा मैटर देखिए राइट में चला गया चला गया। और एक ऑप्शन और होता है हमारा जिसको हम लोग जस्टिफाई कहते हैं, कंट्रोल प्लस जे। अब ये क्या करता है, पूरे डेटा को जस्टिफाई करेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा पैराग्राफ है, इसको जस्टिफाई करना है, तो हम देखिए यहाँ क्लिक करें, देखिए कितना अच्छा मैटर लग रहा है, इतना दूर का अच्छा लग रहा है ना, ना तो कोई बीच में गैप है, ना तो साइड में कुछ भी है, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर हमें करना है तो हम जस्टिफाई का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, ये लाइन स्पेसिंग है, क्या है लाइन स्पेसिंग है। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस लाइन में कितना स्पेस है, देना है कि नहीं देना, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। तो 1.15 जो हमारा लाइनिंग स्पेस है, तो हम लोग यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक इस लाइन में स्पेस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, हम लोग घटा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम लोग लाइन स्पेसिंग का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है डिक्रीज इंडेंट, इससे क्या होता है हमारा मैटर जो है वो लेफ्ट में जाता है, कहाँ जाता है लेफ्ट में, इस तरीके से कहाँ आता है राइट में आता है। देखिए इंडेंट क्या हो रहा है हमारे, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये हमारा सामने दिख रहा है ना, ये हमारा इंडेंट है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग आसानी से अपने मैटर को राइट और लेफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद है हमारा ऑप्शन क्या, शेडिंग का, क्या ऑप्शन है शेडिंग का। तो शेडिंग मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम लोग कोई भी चीज़ पीछे बैकग्राउंड शेडिंग दे सकते हैं। हमने दो ऑप्शन छोड़ दिया लग रहा है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन था, टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर, और जो हमारा कलर फॉन्ट था, तो हमने छोड़ दिया, पहले हम इसको बता देते हैं। तो टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा डेटा है, अब इसके पीछे बैकग्राउंड कलर देना, सिर्फ इसी के पीछे, तो हम लोग टेक्स्ट हाईलाइट करते हैं, देखिए कैसे, देखिए बैकग्राउंड कलर दे दिया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ से हमें इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, ये हमारा जो हमारा ये है क्या नाम को फॉन्ट कलर है, तो फॉन्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, हाईलाइट कर दिया बैकग्राउंड भी और फॉन्ट को भी आसानी से हाईलाइट कर दिया। तो ये ऑप्शंस हमारे पास है, ये दोनों ऑप्शंस हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, शेडिंग की। तो शेडिंग भी दे सकते हैं नीचे, जैसे मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमें शेडिंग देना है इतने दूर का, तो हम शेडिंग कैसे देंगे, यहाँ चले जाएंगे और आसानी से जो भी कलर हमें शेडिंग देना हो हम आसानी से शेडिंग दे सकते हैं। देखिए शेडिंग दे दिया हमने, दे दिया कि नहीं दे दिया भाई, हमने शेडिंग दे दिया ना, तो हम लोग जितना सेलेक्ट करेंगे उतना दूर का शेडिंग आसानी से दे सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा क्या आता है, सॉर्ट। अब जैसे मान लीजिए हमें पैराग्राफ में सॉर्ट टेक्स्ट करना है, तो हम आसानी से यहाँ सॉर्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है, ये होता है बटन बॉर्डर होता है, क्या होता है बटन बॉर्डर होता है दोस्तों। तो बटन बॉर्डर का मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये डेटा हमने सेलेक्ट किया, हम पहले इसको सही कर देते हैं, गायब कलर वगैरह हो गया ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक, चलिए हम लोग तो इसको सही कर देते हैं। तो ये हमारा सही हो गया मैटर। अब हम अगर बात करें किसकी,
अगर हम बात करें इस मैटर की, तो अगर इस मैटर में जो है हमें बॉर्डर देना है, क्या करना है, बॉर्डर देना है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और आसानी से हम लोग बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड, तो यहाँ से हम लोग देखिए आसानी से दे सकते हैं। देखिए हमने बॉर्डर दे दिया, पूरा सेलेक्ट हो गया, चारों तरफ सेलेक्ट हुआ, हमने ऑल बॉर्डर किया, तो यहाँ से क्या हो गया, पूरा आसानी से सेलेक्ट हो गया। हम लोग अगर राइट में करना चाहे तो राइट में भी दे सकते हैं, देखिए राइट में सिर्फ लगा होगा बॉर्डर। लेफ्ट में देना चाहे तो लेफ्ट में दे सकते हैं हम लोग आसानी से बॉर्डर, देखिए लेफ्ट में हो गया। तो ऐसे ऐसे हम लोग बॉर्डर्स पे आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम अगर बात करें इसकी, किसकी, फॉन्ट की, तो ये नॉर्मल फॉन्ट है, उसके बाद ये कौन सा, नो स्पेसिंग है, फिर ये हमारा है हेडिंग है, फिर इसी तरीके से हमारे सारे फॉन्ट के ऑप्शंस दिए होते हैं, जो कि देखिए ये सामने इतना दिया हुआ है। क्लियर फॉर्मेटिंग भी होता है हमारा, सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्लिक स्टाइल, अप्लाई स्टाइल, तो ये सारी चीज़ हम लोग फॉन्ट, देखिए हम लोग कोई भी फॉन्ट लेना चाहें, ये फॉन्ट लेना चाहिए, ये फॉन्ट ले लिया हमने, इसको लेना चाहिए, तो हम लोग कोई भी फॉन्ट आसानी से चेंज कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट आसानी से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद चेंज केस होता है, क्या होता है, चेंज केस होता है। अब हमें मान लीजिए चेंज कोई केस करना, मान लीजिए अच्छा करना है, बुरा करना है, तो हम आसानी से वर्ल्ड 2003, वर्ल्ड 2007, ये सारी चीज़ हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें कोई भी नॉर्मल की को अप्लाई करना है, तो हम लोग यहाँ से चेंज केस में जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से होता है कलर। अब हमें कलर मान लीजिए हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, हम यहाँ से अपने कलर देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कलर भी दे सकते हैं आसानी से, देखिए कलर हो गया कि नहीं हो गया, कलर हो गया ना। फिर उसी तरीके से हमारा फॉन्ट होता है, हम लोग फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, देखिए ये सारे फॉन्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे मैटर जो है अप्लाई हो रहे हैं, सारे फॉन्ट्स के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सारे फॉन्ट्स के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, सेट एज डिफॉल्ट, तो हम लोग सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है फाइंड का, ये ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो अगर हम फाइंड की बात करें, तो यहाँ से होता है फाइंड, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई भी एक वर्ड फाइंड करना है, क्या करना है, कोई भी एक वर्ड फाइंड करना है कि हमारा जो है पाइथन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, पाइथन, नहीं तो हमने फाइंड कर लेते हैं कोई ऐसा वर्ड ढूंढते हैं जो वर्ड हम लोगों को मिले, पाइथन ही ढूंढते हैं, तो हम लोग पाइथन ढूंढते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथन, क्या लिखेंगे, पाइथन, और हम लोग क्या करेंगे, फाइंड मेन डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग जो ही फाइंड करेंगे, देखिए जहाँ जहाँ पाइथन लिखा हुआ वहाँ वहाँ सेलेक्ट हो गया, हो गया। अब ये बता रहा है कि यहाँ यहाँ पाइथन लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब हमें कोई भी डेटा चेक करना हो, तो हम लोग फाइंड में जाके एक वर्ड लिख करके उसको फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हम लोग खोज सकते हैं आसानी से। फिर उसके बाद हमारा आता है रिप्लेस। अब हमें रिप्लेस मान लीजिए पाइथन की जगह हमें क्या करना है, हमें लिखना है जावा, पाइथन की जगह क्या लिखना है, कैपिटल में जावा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावा लिख देते हैं। जावा लिखने के बाद हम लोग जो ही हम लोग अप्लाई करेंगे, देखिए अप्लाई फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस आल, हम लोग यहाँ से जो ही रिप्लेस किए, अब देखिए ये आसानी से क्या हो गया, पाइथन जो है आसानी से चेंज हो जाएगा। अभी देखिए, अरे यहाँ पे हम लोगों को रिप्लेस विथ लिखना पड़ेगा, फाइंड में हमने लिख दिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथन, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथन, और उसके बाद हम लोग रिप्लेस विथ में क्या लिखेंगे, जावा, जावा लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस आल, ठीक। अब देखिए कि जहाँ जहाँ पाइथन लिखा हुआ वहाँ वहाँ जावा आ गया, देखिए जहाँ जहाँ पाइथन लिखा हुआ है वहाँ वहाँ जावा आ गया, आ गया कि नहीं आ गया भाई, आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग पाइथन की जगह आसानी से जावा कर सकते हैं रिप्लेस के माध्यम से, किसके माध्यम से, रिप्लेस के माध्यम से। अब देखिए आप लोग जावा है दिख रहा है, सब जगह जावा हो गया ना, सब जगह जावा हो गया। इस तरीके से हम लोग आसानी से कोई भी चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है सेलेक्ट, तीसरा होता है सेलेक्ट आल, हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा यहाँ से सेलेक्ट आल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और सिमिलर फॉर्मेटिंग हम लोग आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मेनू है, ये है हमारा होम मेनू। होम मेनू में थोड़ा सा और छूट रहा है, ये ऊपर का, तो ये जो हमारा ऊपर होता है ना दोस्तों, ये होता है हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम क्या क्या इसमें सेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अंडू रेडू, ये जितना भी ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमें सब हटाना है, तो हम यहाँ से देखिए हम लोग क्लिक हटा देंगे ना, देखिए ऊपर से गायब हो रहा है धीरे धीरे, एक एक हो रहा है ना, देखिए गायब हो रहा है ना, गायब हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ला भी सकते हैं, न्यू, उसके बाद ओपन, उसके बाद हम लोग क्या, ई सेव,
फिर उसके बाद ईमेल, ये सारी चीज़ें हम लोग ला सकते हैं आसानी से, ये हमारे हाथ में है, हमारे पास इसका ऑप्शन होता है कि हम लोग आसानी से। देखिए डॉक्यूमेंट वन के नाम से बाय डिफॉल्ट जो नेम सेव होता है एमएस वर्ड का, वो होता है डॉक्यूमेंट दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा है होम मेनू दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए क्या है, इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग बात करेंगे अगले मेनू पे मित्रों। हम लोग दूसरे मेनू जो हम लोग बात करने वाले हैं, अब दूसरा मेनू है हमारा एमएस वर्ड का, जिसका नाम है इंसर्ट। तो हम लोग हमने होम मेनू पढ़ लिया पूरा, हमने देख लिया है होम मेनू क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से इसमें चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं, हमने बात कर लिया। आप लोग पढ़ चुके होंगे, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से उसको पढ़ चुके होंगे। फिर हमारा दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट मेनू का। अब इंसर्ट मेनू में अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या अपने पेज में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत अच्छा मेनू है, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या हम लोग आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कवर पेज होता है, जब हम कवर पेज की बात करें तो हम लोग किस टाइप का पेज लेना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी पेज ये वाला लेना, हमने देखिए पेज सेलेक्ट किया, अब ऑटोमेटिक ये हमारा जो पेज है पूरा कवर कर लेगा और अपने अकॉर्डिंग बना देगा। हम लोग चाहे जैसे चाहे वैसे अपने पेज को कवर कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपके सामने पूरा दिया हुआ है कि इसको हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा है कवर पेज का, जिसको आपने देख लिया। दूसरा होता है ब्लैंक पेज, यानी कि खाली पन्ना। अब हमें जैसे मान लीजिए हमने यहाँ क्लिक किया और इसके बाद हमने क्या ब्लैंक पेज लेना है, तो देखिए इस मैटर के बाद हमारा एक पेज ब्लैंक हो जाएगा, हो गया ना। तो किसी भी डेटा में हमें जब ब्लैंक पेज चाहिए अपने ऑप्शन के बाद, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंक पेज दे सकते हैं हम लोग। ये हमारे पास ऑप्शंस होता है, उसके बाद हम लोग पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें डेटा किसी डेटा का पेज ब्रेक करना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इंटरप्रेटेड लिखा हुआ, हमने यहाँ एंटर किया और यहाँ पर हम जाके इंसर्ट मेनू में पेज ब्रेक कर दें। अब देखिए बीच में पेज ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया, मतलब ये ऑप्शन जो है आप किसी भी एक वर्ड के बाद अगर हमें पेज ब्रेक करना हुआ तो हम लोग आसानी से पेज ब्रेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि हम लोग किसी भी करंट पोजीशन को पेज ब्रेक करना है तो हम लोग पेज ब्रेक ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है क्या, हमारा ऑप्शन है टेबल, ये अच्छा ऑप्शन है। अब आप लोगों को मान लीजिए कोई टेबल बनाना हुआ, क्या बनाना हुआ, कोई भी टेबल बनाना हुआ, तो हम लोग टेबल पे क्लिक करते हैं। अब ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक टेबल दिया हुआ है कि एक टेबल लेना है, एक रो एक कॉलम, दो रो दो कॉलम, तीन रो तीन कॉलम, चार रो चार कॉलम, पाँच रो पाँच कॉलम, छः रो छः कॉलम, इस तरीके से जितना हम लोग लेना चाहें। पहली बात तो हमारे पास सामने दिया हुआ कितना ऑप्शन हम लोग चूज कर सकते हैं। दूसरी बात है इंसर्ट टेबल कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए हमें पांच कॉलम चाहिए, दो रो चाहिए, हमने एंटर किया, पांच कॉलम दो रो तैयार, रेडी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिज़ाइन ले सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने इंसर्ट में गया और हमने ये ऑप्शंस ले लिया पूरा, ठीक है, ले लिया, ये ले लिया हमने। अब हमें क्या करना, डिज़ाइन देना है, तो हम लोग डिज़ाइन भी यहाँ से आसानी से दे सकते हैं। जिस डिज़ाइन को चाहें उस डिज़ाइन को हम लोग इसमें से दे सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस इंसर्ट मेनू के होते हैं दोस्तों, ठीक है। यह हो गया टेबल, आपने समझ लिया, नहीं समझा तो अभी फिर से मैं बताता हूँ आपको एक बार और। अगर हम बात करें टेबल की, किसकी बात करें, टेबल की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने दिया था कि हम कितना टेबल लेना चाहते हैं, कितना रो कॉलम लेना चाहते हैं, उतना हम लोग मैक्सिमम ले सकते हैं। फिर इंसर्ट टेबल होता है कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग रो कॉलम को चूज कर लें। फिर होता है ड्रॉ टेबल, हम लोग टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसके अंदर टेबल ड्रॉ करना है, यहाँ पर टेबल ड्रॉ करना है, तो हम लोग जितना टेबल ड्रॉ करना चाहें हम लोग आसानी से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए बीच में ड्रॉ करना है तो हम लोग बीच में भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम लोगों के पास सारे ऑप्शंस हैं कि हम लोग क्या टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि हम लोग ड्रॉ टेबल भी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है पिक्चर का, किसका ऑप्शन है, पिक्चर का है। हमें मान लीजिए कोई भी डेटा तैयार करना है, कोई भी डेटा हमें अगर तैयार करना है तो क्या पिक्चर की बात चाहिए, पिक्चर ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, पिक्चर ऐड करना पड़ेगा ना। अच्छा हमें पिक्चर ऐड करना है तो आप ये बताइए कि पिक्चर ऐड करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा पिक्चर ऐड करने के लिए है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से जाते हैं कोई भी पिक्चर उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ई में गए
और हमारे पास पिक्चर किस में है? पिक्चर, चलते हैं पिक्चर्स में, देखते हैं कोई पिक्चर है क्या। नहीं है तो हम आप पहले एक पिक्चर ले लेते हैं कोई भी। जैसे मान लिया अभिषेक के पास है, मैंने ये पिक्चर को उठा लिया। अब देखिए ऑटोमेटिक ये पिक्चर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब इस पिक्चर को क्या है, हम लोग आसानी से इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें कटिंग भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्रॉप भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस हमारे होते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या हुआ, हमने यहाँ गया, हमें इस पेज को इस तरीके से बनाना है, पिक्चर को बढ़िया बनाना है, इसमें बॉर्डर देना है तो हम लोग बॉर्डर भी दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, विदाउट बॉर्डर करना है तो विदाउट बॉर्डर भी कर सकते हैं, थोड़ा मोटा बॉर्डर करना है तो हम लोग मोटा बॉर्डर भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं। मान लीजिए सर्कल में करना है तो हम लोग सर्कल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है देखिए, अच्छा लग रहा है ना? तो ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, हमारे पास दिए हुए हैं, जिस अकॉर्डिंग हम लोग जैसे चाहें वैसे अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा है पिक्चर का ऑप्शन। ठीक, फिर पिक्चर की अगर हम आगे बात करें तो ये होता है क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए हमने इस पिक्चर को डिलीट कर दिया, क्या किया इस पिक्चर को, क्या किया हमने, डिलीट कर दिया। अब हमें क्लिप आर्ट लगाना, तो क्लिप आर्ट ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, राइट में आ जाएगा ऑल कलेक्शंस, मान लीजिए कोई भी वेब माई कलेक्शंस पे हम लोग गए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं साउंड मूवी जो भी है कुछ भी उठा लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग गो चलते हैं। अब हम लोग जब गो करेंगे तो देखिए हमारे पास क्लिप आर्ट्स आ जाएंगे। अब मान लीजिए इस गाय का लगाना हुआ तो हम लोग गाय का क्लिप आर्ट बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कार का लगा सकते हैं, ट्रैक्टर है देखिए बहुत पुराना ट्रैक्टर लग रहा है, पुराने ज़माने का। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सीनरी लगा सकते हैं। तो ये सारे क्लिप आर्ट्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या होते हैं, सारे क्लिप्स आर्ट होते हैं जिसको हम लोग आसानी से इस क्लिप आर्ट के माध्यम से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यह है इंसर्ट मेन्यू का क्लिप आर्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद आता है शेप। क्या होता है शेप, हम लोग किसी भी शेप को ले सकते हैं, इसमें जितने भी शेप्स दिए हुए हैं इसमें से कोई भी एक ऑप्शन जो हो उसको हम लोग आसानी से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कर्व ये लेना है स्क्वायर का, तो चारों तरफ से राउंडिंग हो ऐसा स्क्वायर ले सकते हैं हम लोग, ले लिया हमने। फिर उसके बाद हमारे इसके अंदर लेना है क्या, स्क्वायर, अच्छा वाला स्क्वायर लेना है तो हम लोग ये ले सकते हैं। सर्किल लेना है इसके अंदर तो हम लोग सर्किल भी ले सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमें ट्रायंगल लेना है तो हम लोग ट्रायंगल भी ले सकते हैं। इसी तरीके से हमें एरो लेना, तो मतलब कोई भी ऑप्शन अगर हमें लेना है, कोई भी शेप एंड साइज हमें यूज़ करनी है तो हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन किस में होता है, शेप में होता है। ये होता है स्मार्ट आर्ट, जिसकी व्यवस्था, जिसका यूज़ मैक्सिमम पावर पॉइंट में होता है। किस में होता है, मैक्सिमम यूज़ पावर पॉइंट में होता है, लेकिन ये एमएस वर्ड में दे दिया है तो हमें यूज़ करना चाहिए। तो हम बात करें अगर इसकी आर्ट की, क्लिप स्मार्ट आर्ट की बात अगर हम करें, तो ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जिस ऑप्शन को हम लोग लेना चाहें, जैसा सर्किल मिलना चाहें सर्किल में ले सकते हैं, मैट्रिक्स प्रोसेस लिस्ट, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये हम क्लिक करके आसानी से अपने अर्ज को ले सकते हैं। और हाँ, हम लोग कुछ भी लिख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया यूनिक, ठीक, फिर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया ग्रुप, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा प्रयागराज, लिखते हैं हम लोग प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज हो गया। अब हम लोग क्लिक करते, देखिए यहाँ पे जितने ऑप्शंस को लिखा हमने उतने ऑप्शंस आ गए, इसमें भी कुछ भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा, हमारा डेटा तैयार हो सकता है। तो ऐसे हम लोग किसी भी डेटा को तैयार करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम लोग स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग कोई भी डेटा आसानी से ले सकते हैं स्मार्ट आर्ट के माध्यम से। फिर उसके बाद है चार्ट। चार्ट का नाम आपने सुना होगा, जैसे हमारा होता है एमएस एक्सेल। क्या होता है, एमएस एक्सेल होता है, तो एमएस एक्सेल में हम लोग चार्ट बनाते हैं ना। चार्ट जब हम लोग बनाते हैं एमएस एक्सेल में, तो पहले हमें डेटा तैयार करना पड़ता है। क्या तैयार करना पड़ता है, तो डेटा तैयार करना पड़ता है। इसमें क्या सैंपल दिया हुआ है, जब हम लोग चार्ट में चलेंगे तो सैंपल सारे दिए हुए हैं, कॉलम लाइन पाई बार एरिया सारी चीज़ दी हुई ना। अब हम लोग जिसी पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक देखिए एक्सेल भी खुल जाएगा, खुल गया ना, ऑटोमेटिक हमारा एक्सेल खुलता है। ये बता रहा है कि इस सिस्टम में ऐसे ऐसे हम लोग क्या किए, इंक्लूड करके बनाए हैं,
मतलब क्या हुआ कि जो हमारा चार्ट है वो इसके बेस पे है, तो ये सारी चीजें बता रहा है एक्सेल कि इसके बेस पे क्या है, हमारा चार्ट बना हुआ है। ठीक है, जब हम लोग इसको देखना चाहें तो आसानी से एक्सेल खुलता है, उसमें हम लोग आसानी से देख सकते हैं मित्रों। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट में चलते हैं तो हाइपर लिंक की अगर हम बात करें तो ये होता है बड़ा जबरदस्त, क्या होता है, बहुत जबरदस्त होता है, बहुत अच्छा होता है हाइपर लिंक। जैसे आप कभी वेबसाइट में गए होंगे, किसमें, किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन किए होंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा पाइथन लिखा हुआ है, अब इस पाइथन पे क्लिक करने के बाद एक पेज खुल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे हाइपर लिंक लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पाइथन पे गया और हम कोई भी डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम चलते हैं किस में, ई में चलते हैं। ई में चलने के बाद हमें कोई ना कोई एक डेटा तो मिल ही जाएगा, देखते हैं। जब कोई डेटा मिल जाएगा तो हम लोग उस पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आसानी से जैसे मान लीजिए कि हमने इनको उठाया यहाँ से, अभिषेक को उठा लिया, अब क्या है कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हाइपरलिंक हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, हाइपरलिंक क्या किया, ऐड कर दिया, तो जब हम लोग यहाँ प्रेस करेंगे तो देखिए वो वाला ऑप्शन खुल जाएगा, देखिए देखिए खुल रहा है, देखिए खुल गया कि नहीं खुल गया, खुल गया ना ये वाला ऑप्शन। तो ये होता है हाइपर लिंक, मतलब हम किसी भी एक वर्ड के पीछे कोई भी एक पेज छिपा सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, तो ये हाइपर लिंक होता है दोस्तों। ठीक है, तो हाइपर लिंक आप लोगों को बात समझ, जैसे आप लोग इंटरनेट पे कोई भी ब्लॉग्स पढ़ते हैं, कोई भी डिटेल जब आप लोग पढ़ते हैं तो हाइपर लिंक वहां पर 100% प्रयोग होता है। तो आप लोग भी ये जान लीजिए कि हाइपर लिंक हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आप लोग को जानना जरूरी है। फिर उसके बाद होता है बुक मार्क, क्या है बुक मार्क। अब जैसे मान लीजिए आप लोग कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब आप लोग मान लीजिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते मान लीजिए थक गए या फिर कोई काम आ गया, कोई बुला लिया, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो आप क्या करेंगे, वहीं छोड़ के चले जाएंगे, तो हम लोग बुक मार्क लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे यहाँ तक पढ़ा है, लर्न तक पढ़ा है, फिर हम यहाँ जाएंगे बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लर्न, लर्न। ठीक, हम यहाँ ऐड कर देंगे। अब जैसे भी मान लीजिए हमने इसको सेव कर दिया, सेव एज करके हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं, हम लोग कट कर दिए, यहाँ से कट कर दिया, हम लोग फिर से यहाँ से डेस्कटॉप से ओपन कर लिया डॉक्यूमेंट को। फिर हम चलेंगे कहाँ, इंसर्ट में, बुक मार्क में, यहाँ लर्न है, जो ही हम लर्न पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक हमारा जो कर्सर है वो लर्न पे आ जाएगा। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, देखिए लर्न पे दिख रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है ना, तो ये हमारा बुक मार्क का ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग आसानी से बुक मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्रॉस रेफरेंस होता है दोस्तों, तो ये क्रॉस रेफरेंस का आप लोगों को यूज़ नहीं है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं, तो इसकी जानकारी आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है हेडर। अब जैसे मान लीजिए हमारा पेज है, ये पेज दिख रहा है आप लोगों को, ये पेज है ना, इस पेज पे मान लीजिए हम लोगों को हेडर देना है, जैसे मान लीजिए ऊपर कुछ चीजें देनी है जो चीजें हमें दिख रही हो, यूज हो रही हो, तो हम लोग यहाँ पे हेडर आसानी से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो भी हेडर मिल जाएगा, और उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे हेडर में तो भी हेडर मिल जाएगा। अब हेडर किस प्रकार से लेना है ये हम पे डिपेंड करता है, एडिट हेडर, रिमूव हेडर, ये सारे ऑप्शन देखिए दिया, ये सारे ऑप्शंस हैं, इस प्रकार से हम लोग हेडर ले सकते हैं। हेडर के बारे में जानना हो तो इस पे हम लोग जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें तीन ऑप्शंस लेने हैं तो यहाँ तीन ऑप्शंस खोल के दे दिया कि नहीं दे दिया, दे दिया ना, तो ये ऑप्शंस जब खुल जाएंगे तो आप लोग आसानी से हेडर यूज कर सकते। उसी तरीके से हमारा होता है फुटर, क्या होता है, उसी तरीके से हमारा होता है फुटर। अब हम अगर बात करें फुटर की तो फुटर में भी ऐसे ही ऑप्शंस हैं, मान लीजिए हमने क्लिक किया एक ऑप्शन ले लिया तो देखिए यहाँ पे दे दिया कि नहीं, ऑप्शन दे दिया ना, विथ पेज नंबर दे दिया ना, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडर फुटर किसी भी पेज में आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, फिर रही बात पेज नंबर की, तो हम लोग पेज नंबर भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई डेटा तैयार किया 100 पेज का, 110 पेज का मान लिया डेटा तैयार किया, अब उसे पेज नंबरिंग करना हो, लिखना हो, तो प्रॉब्लम होगी, हमें एक एक करके लिखेंगे, एक एक करके जानेंगे, उसके बाद अगर हमें नहीं मिलता तो हम टॉप, यहाँ पेज नंबर ऑप्शन बना हुआ है हमारे एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज नंबर का ऑप्शन भी है, तो हम लोग पेज नंबर में जाके टॉप पेज, बॉटम पेज, पेज मार्जिन, ये सारी चीज़ आराम से सेट कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, टॉप पेज पे जाके इधर हमने राइट साइड वाला क्लिक कर लिया, लेफ्ट साइड वाला, अब देखिए सारे पेज में
देखिए हेडर में हमारे पेज नंबर दिए हुए कि नहीं, तीन यहाँ पे देखिए। अब ऐसे हमारे जो है जितने भी पेजेस हैं उतने ही पेज नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या ऑप्शन है, पेज नंबर का ऑप्शन है। फिर उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अब मान लीजिए हमें टेक्स्ट बॉक्स कोई देना है किसी भी पेज पे, कोई भी हमने एडिटिंग करनी है, कोई टेक्स्ट बॉक्स देना है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स देंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स भी हम लोग आसानी से दे सकते हैं, इसमें कोई भी मैटर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए आप लोगों को दिखा दूँ कि कोई भी मैटर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए लिख रहे हैं आसानी से कि नहीं लिख रहे हैं। तो हम लोग कोई भी डेटा आराम से बना सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं बीच में, उसके पीछे का डॉक्यूमेंट भी गायब हो जाएगा, मैटर भी लिखा रहेगा और हमारा काम भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिक ये फैल जा रहा है अपनी जगह, ये बना ले रहा है, ये अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्विक पार्ट्स होते हैं। अब मान लीजिए हमें डॉक्यूमेंट प्रियोरिटी देनी है कैटेगरी वन में, ऑथर में, कमेंट्स में, तो हम दे सकते हैं आसानी से यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है वर्ड आर्ट। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए कि वर्ड आर्ट आखिर होता क्या है, ठीक है। वर्ड आर्ट का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को हम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से, अच्छे ढंग से कैसे बना पाएं, ये सारी चीज़ किसमें सिखाई जाती है, वर्ड आर्ट में। तो वर्ड आर्ट के ये ऑप्शंस हैं, जैसे मान लीजिए हमें इस वर्ड पे काम करना है, किस पे, इस वर्ड पे काम करना है और यहाँ पे कुछ भी हमें लिखना पड़ेगा। देखिए हम लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया यूनिक ग्रुप लिख दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ओके करेंगे। जब हम लोग यूनिक ग्रुप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक इस पेज में आ जाएगा और हम लोग इसको बड़ा करना चाहेंगे, देखिए हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं, हमारे पास सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, बड़ा कर सकते हैं ना, तो हम लोग यहाँ से आसानी से बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे जो ऑप्शन है वो सामने दिख रहा है हमें। हम लोग यूनिक ग्रुप लगा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, बाहर भी लगा सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोग कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। फिर उसके बाद सिग्नेचर लाइन। अब जैसे मान लीजिए हमें कहीं भी किसी भी पेज किसी भी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन देना है, मतलब ध्यान समझिए हमारी बात, कि हमें कहीं भी क्या करना, लास्ट पेज में सिग्नेचर लाइन देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, सिग्नेचर क्लिक करेंगे। मान लीजिए रत्नाकर का सिग्नेचर चाहिए ना, रत्नाकर का सिग्नेचर चाहिए, तो हम लोग रत्नाकर का नाम लिख देते हैं, ठीक, क्या करेंगे, रत्नाकर का नाम लिख देते हैं। तो रत्नाकर का सिग्नेचर चाहिए, हम यहाँ से एंटर करते हैं, देखिए अभी सिग्नेचर का ऑप्शन आ गया। अब देखिए यहाँ पे रत्नाकर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, तो भी वेरीफाई होगा। तो ये हमारा सिग्नेचर का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक दिया हुआ है। हम लोग कहीं से भी ऑटोमेटिक जो है डेट एंड टाइम को अगर हमें कहीं ऐड करना हो, क्या करना हो, कहीं पे भी डेट एंड टाइम को अगर हमें ऐड करना हो, जैसे मान लीजिए ये डेट एंड टाइम किस डेट एंड टाइम पे हम लोग बनाए हैं, तो हम लोग कैसे यूज़ कर सकते, देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए डेट टाइम डेट लगा दिए, फिर उसके बाद हमें टाइम भी देना है, तो हम लोग टाइम भी आसानी से यहाँ से दे सकते हैं। डेट एंड टाइम पे क्लिक किया और हम क्या कर सकते हैं, 11:24 हो रहा है, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से 11:24 का टाइम भी सेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे क्या हो गए, पता चल गया आप लोग को, यहाँ होता है ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें लगाना हो तो हम लोग आसानी से ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं फिर इंसर्ट में। अगर हम बात करें किसकी, हम लोग अगर बात करें ऑब्जेक्ट के बाद इक्वेशन और सिंबल दो ऑप्शन बचे हुए। तो इक्वेशन जानते हैं आप लोग कि कोई भी हम लोगों को मैथ्स का अगर इक्वेशन देना हो तो हम लोगों के पास एमएस वर्ड में ऑप्शन होता है इक्वेशन का, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आसानी से हम लोग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इनको देना है, तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे लिखा भाई, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग आसानी से कुछ भी लिख सकते हैं, सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है बड़ा, डिटेल बनाना है, तो हम लोग कोई भी डेटा कहीं पे भी कुछ भी एडिट कर सकते हैं आसानी से, ये हमारे इक्वेशन के अंदर आता है। और ये इक्वेशन के अंदर जो डिज़ाइन होती है, ये सारे ऑप्शंस देखे दे गए हैं कि कितने फॉर्मूलेज होते हैं, मैट्रिक्स के कितने होते हैं, ऑपरेटर, लिमिट, अरेंट, फंक्शन, ब्रैकेट्स, लार्ज ऑपरेटर, इंटीग्रल, रेडिकल, स्क्रिप्ट, फ्रैक्शन, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं जिसमें हम लोग आसानी से एडिट कर सकते हैं अपने आप अपने पेज को, अपने इक्वेशन को। फिर हम लोग सिंबल भी दे सकते हैं, जो एडिशनल सिंबल होते हैं, जैसे मान लीजिए हमें आर नहीं बीच में मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी बार चाहें उतनी बार आर को हम लोग यहाँ से आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास इतने ऑप्शंस देते हैं कि हम लोग कोई भी सिंबल आसानी से ऐड कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो इंसर्ट का खत्म हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, पेज लेआउट पे।
एमएस ऑफिस का जो दूसरा मेनू है पेज लेआउट, हम लोग बात करेंगे उस पर, ठीक है। तो मित्रों हम लोग चले चलते हैं सीधे अपने थर्ड टॉपिक पे, जिसका नाम है पेज लेआउट। बात करते हैं पेज लेआउट की। तो देखिए, हमने होम मेनू जब पढ़ा तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, इसमें होम मेनू में ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, इंसर्ट मेनू ये सब पढ़ लिया है। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग पीछे प्लेलिस्ट में जाके या फिर वीडियोज़ में जा करके होम मेनू इंसर्ट मेनू पढ़ लेंगे, ताकि उनको पेज लेआउट में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम लोग बात करते हैं पेज लेआउट की दोस्तों, ठीक है। तो पेज लेआउट में जो पहला ऑप्शन होता है वो है थीम का। क्या है? थीम का ऑप्शन है। अब ये बताता है कि थीम हम कैसा लेना चाहते हैं। जिस अकॉर्डिंग हम थीम लेना चाहते हैं वैसा थीम हम दे सकते हैं अपने इस प्रोग्राम को, अपने इस लैंग्वेज को, अपने इस डॉक्यूमेंट को। हम देखिए थीम चेंज कर दे सकते हैं। देखिए यहाँ आराम से हम लोग पहले तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर हम लोग कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या के कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं थीम चेंज कर दीजिए आसानी से। देखिए जिस थीम में देना चाहें उस थीम को हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम कैसी इसकी देना चाहते हैं, कैसा इसका फॉन्ट देना चाहते हैं या कैसा थीम देना चाहते हैं, यह सब कुछ हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है कलर का। क्या है वो? कलर का ऑप्शन है। अब हम लोग क्या कलर देना चाहते हैं, बात समझ रहे हैं हमारी बात, हम क्या कलर देना चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमें कलर देना है तो हमने क्या किया, इतना सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ चले जाएंगे, जो कलर देना चाहेंगे आसानी से हम लोग दे सकते हैं। वो उसी अकॉर्डिंग लेगा जिस अकॉर्डिंग आपका वो रहेगा, जो थीम रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपना कलर की चूज़ कर लेगा। देखिए देखिए कलर चेंज हो गया कि नहीं। तो ये हम लोग आसानी से कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद अगला आता है हमारा फॉन्ट। क्या आता है अगला? अगला आता है हमारा फॉन्ट। अगर हम फॉन्ट की बात करें तो देखिए फॉन्ट हम लोग जो फॉन्ट देना चाहें वैसे दे सकते हैं। यहाँ क्रिएट न्यू फॉन्ट भी हम लोग आसानी से दे सकते हैं। ये हमारे पास जो है ये सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम जो फॉन्ट देना चाहें, जैसे फॉन्ट देना चाहें वैसे फॉन्ट दे सकते हैं। सब कुछ हम लोगों के हाथ में है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट आसानी से दे सकते हैं। देखिए इसके बाद का जो हमारा ऑप्शन है वो है इफ़ेक्ट का। और इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो बेसिकली इसका जो वर्क है वो है पावर पॉइंट में। किसमें है? पीपीटी में है। तो इसका वर्क यहाँ ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको किसमें क्या होता है। जैसे पावर पॉइंट में क्या होता है, हम लोग पेज बनाते हैं और उसको चेंज करते हैं, तो उसमें इफ़ेक्ट देते हैं कि हमारा पेज जब चेंज हो तो कौन सा इफ़ेक्ट हो। तो यही सारे इफ़ेक्ट है जो भी हम लोग देना चाहें इस पर दे सकते हैं, ताकि हमारा जब पेज चेंज हो, जब हमारे पेजेस चेंज हो तो इफ़ेक्ट इस पर दे। तो इसका काम यही होता है दोस्तों। ऑफिस अपैक्स एस्पेक्ट्स ये सीवी ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आसानी से हम लोग दे सकते हैं। आसानी से अपने पेज को जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, मैटर क्लियर हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है मार्जिन। अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसकी बात अगर हम कर लें तो बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें पेज के जो चारों तरफ की एरिया होती है उसको कवर करता है। क्या करता है? जो पेज की चारों तरफ एरिया होती है, जैसे मान लीजिए हम लोग नैरो कर दिए, देखिए ऑटोमेटिक क्या हुआ, हमारा जो लिखा हुआ है जो टेक्स्ट है वो देखिए पूरा कवर कर लिया, इधर कर लिया ना। लेकिन अगर हम नैरो की बजाय कुछ और कर दें, नॉर्मल कर दें, तो देखिए नॉर्मल में थोड़ा स्पेस इधर दे दिया, थोड़ा स्पेस इधर दे दिया, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, देखिए दे रहा है कि नहीं दे रहा। देखिए हम पूरा पेज आपको एक दिखाते हैं, देखिए अब ये क्या कर रहा है कि देखिए चारों तरफ से स्पेस दे दिया कि नहीं। नॉर्मल यही मार्जिन होती हैं, जो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है वो यही होता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वाइड भी दे सकते हैं। अब देखिए पेज के चारों तरफ, ठीक है, क्या है, पेज के चारों तरफ देखिए ज़्यादा स्पेस वाइड है, लंबा चौड़ा है ना। तो ये हम आसानी से दे सकते हैं। यहाँ से कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें मार्जिन क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप बॉटम हर जगह 0-0 कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस चाहिए, चाहे वो लेफ्ट में दे सकते हैं, चाहे टॉप में दे सकते हैं, तो और चारों तरफ लेकिन फुल फिल कर देगा। तो देखिए हमारा जो मार्जिन क्या किया, चारों तरफ ले लिया है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह ले लिया। ऊपर थोड़ा सा वो स्पेस इसलिए छोड़ता है क्योंकि हमें हेडिंग देनी होती है, ठीक है। तो हम लोग मार्जिन देख लिए यहाँ से। चलिए अगर हम लोग मार्जिन देखें, उसके बाद पेज ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा पेज जो होता है वो प्रोटेंट और लैंडस्केप बोथ होता है, प्रोटेंट
और लैंडस्केप बोथ होता है। तो हम लोग प्रोटेंट में अपने पेज को सीधा और लैंडस्केप में क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप। तो मतलब क्या है, हम अपने पेज को दो प्रकार से प्रिंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी आप लोग देखा होगा कि जो हमारे प्रिंट होते हैं पेज, कभी कभी प्रोटेंट में होते हैं और कभी कभी लैंडस्केप में होते हैं। तो वो यही सेटिंग होती है पेज लेआउट्स के अंदर से ओरिएंटेशन ऑप्शन में जब हम लोग जाएंगे तो हमारे पास यही सेटिंग मिलेगा कि हम लोग क्या करें, लैंडस्केप करें या फिर और कोई ऑप्शन हम लोग क्लियर करें। ठीक है, प्रोटेंट और लैंडस्केप दो ही ऑप्शन ही होते हैं, तो दो ऑप्शन हम लोग यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा अगला ऑप्शन है साइज। अब ये कह रहा है पेज की साइज क्या होनी चाहिए, पेज की साइज क्या होनी चाहिए। तो हमारे पास लेटर, ये टैबलॉइड्स, लीगल, A3, A4, A5, B4, B5, जापानीज, ये सारे क्या हैं, ये ऑप्शंस हैं। अगर हम A4 पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज एकदम एग्जैक्ट A4 का साइज हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट A4 का साइज लेगा। ठीक है, देखिए एकदम एग्जैक्ट A4 का साइज ले लिया कि नहीं ले लिया है। हम यहाँ से लीगल देंगे तो लीगल ले लेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, हो गया थोड़ा लंबा हो गया ना पेज, तो हम लोग यहाँ से लीगल भी दे सकते हैं, A5, B4, ये सारे हम लोग ऑप्शंस दे सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा क्या, कॉलम का। क्या है भाई, अगला ऑप्शन है हमारा कॉलम का। अगर हम बात करें कॉलम की तो कॉलम क्या होता है, अगर हम बात करें कॉलम की तो कॉलम 1, 2, 3, 4, जितना कॉलम हम लोग देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, देखिए हम यहाँ से क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद हमें कॉलम देना है। तो हम कॉलम 1 देंगे तो एक लाइन में होगा, 2 देंगे 2 में होगा, 3 देंगे 3 लेफ्ट में देंगे, राइट राइट जैसा दे सकते हैं, मान लीजिए 3 में देना है। देखिए ऑटोमेटिक ये 3 लाइन में हो गया कि नहीं हो गया, सारे मैटर आपके 3 लाइन में हो गए भाई, सारे मैटर आपके 3 लाइन में हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉलम 3 लाइन 4 राइट, मान राइट में देना है थोड़ा सा तो राइट में दे सकते हैं, लेफ्ट में देना है तो लेफ्ट में दे सकते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या करते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमें और कॉलम्स देने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 देने हैं, मान लीजिए 10 देने हैं, प्लस और बिटवीन में लाइन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 लाइन पे क्लिक करेंगे और सब में लाइन दे देंगे। देखिए हम लोग आसानी से दे दिए कि नहीं दे दिए, दे दिए ना। तो ये ऑप्शन होता है हमारा क्या, कॉलम्स का। क्या ऑप्शन होता है, ये कॉलम का होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला है हमारा ब्रेक। क्या है, अगला है हमारा ब्रेक। अगर हम बात करें ब्रेक की तो ब्रेक में क्या होता है, हम लोग पेज ब्रेक करते हैं। कैसे पेज ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज, ये सारे ऑप्शंस इसी के अंदर होते हैं ब्रेक के। तो हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमें, हमने कहीं कुछ लिखा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा और लिखा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो हमारी अगली लाइन है वो अगले पेज से आए, तो कैसे होगा, वो ऑप्शन हमारे पास कहाँ होता है, ब्रेक में होता है। कहाँ होता है, ब्रेक में होता है। अब जैसे मान लीजिए हम जाके यहाँ पेज ब्रेक कर दिए, देखें इसके बाद से जो हमारा दूसरी लाइन है वो देखिए अगले पेज पे चली गई, चली गई कि नहीं चली गई, चली गई ना। आप लोगों तक आवाज़ पहुँच रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एक बार, ताकि हमको भी बात समझ में आए कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं तो मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हैं, रो को भी कर सकते हैं, हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद लाइन नंबर होता है, ये कॉन्टिन्यूस कर सकते हैं, जैसे हमारा जो लाइन नंबर है वो कॉन्टिन्यूस कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद कॉन्टिन्यूस करने के बाद अगला ऑप्शन क्या होता है हमारा, रिस्टार्ट ईच पेज, हर पेज पर नया एक नंबर हमारा दे, ये सही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस पे करके छोड़ देते हैं। ये हाइपनेशन होता है, इसमें 3 ही ऑप्शन होते हैं, ऑटोमेटिक, मैनुअल और नन। तो हम लोग हमेशा नन पे रखते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें लेती रहेंगी, देखिए तो ऑटोमेटिक हम लोग नहीं करते हैं, नन पे रखते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारा वो ऑप्शंस हो, जो हमारे पेजेस हो, जो हमारी लाइनिंग हो, जो हमारे वर्ड्स हो, हमें क्लियर पता चले। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा क्या है, अगला ऑप्शन है हमारा वाटर मार्क का। क्या है, वाटर मार्क का है। अगर हम बात करें वाटर मार्क की तो जो वाटर मार्क है, वाटर मार्क से हम लोग क्या जानते हैं भाई, वाटर मार्क का मतलब होता है किसी भी पेज के पीछे अपना छाप छोड़ना। जैसे कि मान लीजिए आप लोग कभी एग्जाम वगैरह देने जाते होंगे तो आप लोग के जो पेजेस मिलते हैं उस पेजेस के पीछे उस कंपनी का या फिर उस इंस्टीट्यूशन का, उस स्कूल का लोगो या नाम लिखा होता है, तो वो यहीं से होता है, कस्टम वाटर मार्क से ही होता है। हम लोग चाहे तो यहाँ से टेक्स्ट भी दे सकते हैं
और चाहे हम लोग तो यहाँ से हम लोग पिक्चर भी दे सकते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। कैसे करते हैं देखिए, हम बताते हैं आप लोगों को दोनों हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा सबसे पहले क्या है, नो वाटर मार्क, पिक्चर वाटर मार्क पहला। तो पिक्चर वाटर मार्क में जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो देखिए हमारे पास दे देगा इनकी फ़ोटो, मान लीजिए हमें लगानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब देखिए सारे पेज पे इनकी फ़ोटो आ जाएगी, ध्यान से देखिए आप लोग, सारे पेज पे इनकी फ़ोटो आ गई कि नहीं आ गई भाई, सारे पेज पे इनकी फ़ोटो आ गई। देखिए तो यहाँ से हम लोग वाटर मार्क दे दिए। अब यहीं पे अगर हम लोग कुछ लिखना चाहते हो तो हम लोग टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, किस पे जाएंगे, टेक्स्ट पे, और यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करके लिख देंगे यूनिक। क्या लिखेंगे, यूनिक ग्रुप, ग्रुप करेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, जिस कलर में देना चाहें, फॉन्ट जो हम लोग देना चाहें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिए यूनिक ग्रुप रेड कलर में फॉन्ट वही आ रहा ना जो हम लोगों ने दिया। तो ये सारे पेजों के पीछे आएगा, अब सारे पेज के टेक्स्ट के पीछे आएगा, ये अपना छाप छोड़ दिया है। तो ये होता है हमारा क्या, वाटर मार्क। उसके बाद पेज के कलर, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि हम लोग किसी भी पेज को कलर दे सकते हैं, चाहे जो भी, आसानी से ब्लैक देना चाहें ब्लैक दे सकते हैं, ग्रीन जो भी चाहें, जैसा भी चाहे, हम लोग आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला है पेज नंबर, पेज बॉर्डर। क्या है, पेज बॉर्डर। अगर हम बात करें पेज बॉर्डर की, तो हम आपको बता दें जो पेज बॉर्डर का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी रिज्यूम में, किसी भी एप्लीकेशन लेटर, कुछ भी बना रहे हैं उसमें हम लोग आसानी से बॉर्डर ऐड कर सकते हैं यहीं से। अब बॉर्डर में क्या होता है कि बॉर्डर भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम लोग चाहें तो बॉक्स में, शैडो में, 3D में, कस्टम में, जैसा लेना चाहें वैसा ले सकते हैं। मान लीजिए हमें बॉक्स में लेना है, फिर उसके बाद हमें ये चूज़ कर लेते हैं इसमें से हम लोग कौन सा मोटा लेंगे। चलिए देखिए हम लोग बॉर्डर लगा दिए अच्छे से। इस ये भी पसंद नहीं आया हमें, कुछ और बॉर्डर देना है तो देखिए नीचे दिया होता है, हम लोग जो चाहें आसानी से अच्छा दे सकते हैं, बुरा से बुरा दे सकते हैं, ठीक है। वो अपने पास ऑप्शंस होते हैं कि हम लोग क्या दे सकते हैं। मान लीजिए हमें यही ऑप्शन देना, देखिए हमने क्या किया, पहाड़ दे दिया चारों तरफ, हो गया ना। तो ऐसे हमारा बॉर्डर होता है जो कि हम लोग आसानी से बॉर्डर दे सकते हैं, यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये शेडिंग है, तो शेडिंग से मतलब नहीं है हमें कोई, हम यहाँ से आराम से बॉर्डर देना सीख गए, ठीक है। फिर उसके बाद होता है इंडेंट। अब ये इंडेंट जो होता है आप लोगों को पता है किसको हम लोग इंडेंट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग इंडेंट कहते हैं। और इंडेंट को हम लोग लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं। देखिए जो हमारा कर्सर है ऑटोमेटिक, ये कर्सर देखिए इधर चला जाएगा, देखिए अभी देखिए जा रहा है ना, तो ये लेफ्ट और ये देखिए सामने इधर भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों चीज़ बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब इंडेंट काम कर रहा है। फिर इसके बाद हम लोग घटा भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पास ऑप्शन होता है कि हम लोग राइट से, अब हम लोग इधर से इधर करें इंडेंट को, तो ये हमारा ऑप्शन है, देखिए हो रहा है ना। तो अब ये जो टेक्स्ट है इसके इधर ही लिखाएगा, इधर नहीं लिखा सकता, तो ये इंडेंट होता है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा स्पेसिंग है, क्या है हमारा स्पेसिंग है। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हम स्पेस देना चाहते हैं इसमें, देखिए ऑटो, और बढ़ाना चाहते हैं जितने पैराग्राफ्स हैं सब में ज़्यादा ज़्यादा स्पेस हो जाए, तो हम लोग आसानी से यहाँ क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा स्पेस दे सकते हैं, या आफ्टर भी दे सकते हैं, और हम लोग कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग बात करें इसके बाद हमारा एक ऑप्शन बचता है जिसका नाम है एलाइजन। अब एलाइजन तो आप लोग जानते हैं, एलाइजन टू मार्जिन होता है और एलाइजन टू पेज होता है। तो हम लोग यहाँ से एलाइजन टू मार्जिन और एलाइजन टू पेज आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है पेज लेआउट। तो अब हम लोग रेफरेंस की बात करने वाले हैं, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इतने ऑप्शंस हमें देखने हैं। तो हम बारी बारी से एक एक करके एक एक मेनू के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा आप लोगों को क्लास बहुत रेगुलर मिल रही है, और दूसरी चीज़ ये क्लास बेटर मिल रही है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा शेयर करें यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल को, थोड़ा सा आप लोग प्रचार भी करें, ताकि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हो सकता है दूसरों को भी अच्छा लगे दोस्तों, ठीक है। जिन तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है आपकी जिम्मेदारी कि आप उन्हें पहुंचाएंगे। चलिए मित्रों हम बात करते हैं रेफरेंस पे। देखिए अगर हम बात करें रेफरेंस की, तो सबसे पहले अगर हम रेफरेंस की बात करें तो टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है। तो ये टेबल, एक टेबल के अंदर हम लोग कैसे कंटेंट देंगे, कैसे लाइनिंग से लिखेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहला या दूसरा ले लिया, ठीक है।
अब हमने दूसरा ले लिया तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये लाइनिंग आ गई और ये पूरा आ गया आपको, मतलब इसके अकॉर्डिंग अब आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हो। देखो कुछ भी लिखो, देखो एकदम मतलब जो हमारा फॉन्ट जो हमारी स्टाइल दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइनिंग इतने ही तक बनेगी, इसके आगे इधर नहीं जाएगी क्योंकि इसका फॉन्ट स्टाइल यहीं तक है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद अगर हम बात करें ऐड टेक्स्ट की, तो हम लोग यहाँ से लेबल वन, लेबल टू, लेबल थ्री के नाम से ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, हम ऐड टेक्स्ट पे जो ही क्लिक करेंगे लेबल वन डालेंगे, जब हम लेबल वन डालेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक हमारा कर्सर आ गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टेबल टू पे यहाँ पे ऐड करके लेबल टू ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए क्या हो रहा है, लाइनिंग क्रिएट हो जा रही है, लेबल वन, लेबल टू, लेबल थ्री ऑटोमेटिक बनता चला जा रहा है। अगर हमें टेबल अपडेट करना हो तो हम लोग यहाँ से टेबल अपडेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल अपडेट हो गया कि नहीं, अगर जो टेबल हमने यहाँ से उठाया था उस टेबल को यहाँ अपडेट करने के लिए फिर से हमारे पास ऑप्शंस हैं, ध्यान रखिएगा सारे ऑप्शंस हैं हमें हमारे पास, बस हमें एक एक ऑप्शंस को कैसे क्लियर करना है, कैसे सीखना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, प्रैक्टिकल करने से ही आता है, प्रैक्टिकल पढ़ने से नहीं आता है। अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है जब तक आप एक आध दो बार प्रैक्टिकल नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है इंसर्ट फुट नोट। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई नोट्स लिखना है नीचे, तो ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन इसकी ज़्यादा कम हो गई लग रहा है, थोड़ा हम इसकी मार्जिन कम कर दें और नॉर्मल में कर दें, ठीक है। देखिए ये सारे ऑप्शंस दे दिए ना यहाँ पे, तो क्या ये फुट नोट आपके पास दे दिया, मतलब क्या आप नीचे कोई भी नोट्स बना सकते हो, आपके पास लिंक दे दिया, देखिए यहाँ पे लाइनिंग दे दिया है ना, तो आप कोई भी नोट्स नीचे बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लाइनिंग के अकॉर्डिंग। तो ये होता है क्या, फुट नोट होता है दोस्तों। फिर उसके बाद है क्या, इंसर्ट इंड नोट। अब सबसे एंड में हम लोग कौन सी नोट्स, मतलब जब हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है, जब हमारी एप्लीकेशन लेटर कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमारे पास इन नोट बनाने के लिए भी क्या होता है, ऑप्शंस होता है। नेक्स्ट फुट नोट, तो हमारे पास दूसरा फुट नोट मिल जाएगा जिसमें हम नीचे लिख सकते हैं कुछ भी। सो नोट्स, किस अपने सारे नोट्स को शो करने के लिए यहाँ से हम सो नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट सेंटेंस, मतलब क्या होता है, हम कोई भी ऐड सोर्स कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम बता दें आपको कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी नया सोर्स एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऑथर का नाम क्या लिख दिया, रत्नाकर, क्या लिखा यहाँ पे, लिखा रत्नाकर। उसके बाद हमने टाइटल दे दिया क्या, यूनिक। फिर हमने ईयर क्या डाला भाई, ईयर 2020, सिटी यूपी डाल देते हैं, सिटी तो नहीं है लेकिन हम यूपी डाल देते हैं। पब्लिशर, यूनिक ग्रुप पब्लिश किया है भाई, हमारी मार्केट में बुक्स भी आती हैं तो यूनिक ग्रुप पब्लिशर। स्टैंडर्ड नंबर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड नंबर 9876454321 0, ये हम अपना स्टैंडर्ड नंबर कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। उसका दुख करते हैं, हमारा यहाँ क्या हो गया, एक हमारे पास इंसर्ट सिटेशन हो गया है दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से हम मर्ज सोर्स कर सकते हैं, जैसे जितने भी हमने बना रखे हैं, जितने भी हमने बना रखे, देखिए पहले से सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हैं, है ना। अब हमने क्या बनाया है, रत्नाकर यूनिक 2020 बनाया ना, तो हम इस पर क्लिक करके यहाँ से क्लोज करके यहाँ से देख सकते हैं कि हमने क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे लिखा है, ये सारे ऑप्शंस हमें क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको आसानी से देख भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ से बिब्लियोग्राफी, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, किसी का भी बिब्लियोग्राफी हम लोग आराम से लिख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है। यहाँ क्रॉस रेफरेंस है, अब ये क्रॉस रेफरेंस हम लोग पैराग्राफ नंबर, पैराग्राफ नंबर, पैराग्राफ टेक्स्ट, बेबब इलो, इन सब में क्या है, क्रॉस नंबर भी हम लोग आराम से दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर मार्क एंट्री है, अब मेन एंट्री, सब एंट्री हम लोग एंट्री करके देख लेते हैं कैसे एंट्री होती हैं हमारे टेक्स्ट में। यहाँ हमने लिख दिया रत्नाकर, यहाँ लिखते हैं हम क्या, यूनिक। यहाँ पे हम करंट पेज और मार्क, अब देखिए यहाँ पे जहाँ भी लिखा होगा रत्नाकर यूनिक, देखिए आराम से यहाँ करंट मार्क ला के दे दिया होगा नीचे, देखिए दे रहे हैं, यहाँ दे दिया है ना, देखिए यहाँ पे दिया कि नहीं दिया। तो अब हम लोग इसका फॉन्ट भी चेंज करके देख लें, क्योंकि इसका थोड़ा फॉन्ट स्पेशल लग रहा है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे दे दिया है रत्नाकर यूनिक, दे दिया ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मार्क एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से मार्क कलेक्शन कर सकते हैं। उसका कलेक्शन हम लोग यहाँ पे आसानी से
कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आता है हमारा मेलिंग ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? मेलिंग ऑप्शन आता है। तो मेलिंग में क्या होता है हम लोग देखते हैं। मेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो तीन ही फैक्टर इसमें होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। हम लोग स्टार्ट मेल मर्ज करते हैं, तो हम लोग लेटर लिखना चाहते हैं कि ईमेल मैसेज, कि एम्प्लॉयर्स की डिटेल, कि लेबल, डिक्शनरी, क्या लिखना चाहते हैं, किसके बारे में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयर्स के बारे में मान लिया लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये साइज खुलेगा, ये पेज खुल जाएगा। अब हम लोग आसानी से क्या करें, एम्प्लॉयर्स के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ यहाँ से एम्प्लॉयर के बारे में लिख सकते हैं, फिर हम ईमेल भी कर सकते हैं, ये ईमेल का फॉर्मेट है हमारे पास, लेटर का फॉर्मेट है हमारे पास, तो सारी चीज़ों हम लिख सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट रिसिप्ट, तो ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मेल करना है, किसी कंपनी के डिटेल को मेल करना है, या फिर कोई डेटा ऐसा है जिस कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पर क्या है कि हम लोग कोई भी डेटा मेल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो उस डेटा का कलेक्शन करने के लिए हमारे पास सेलेक्ट रिसिप्ट्स का ऑप्शन आता है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। और मान लीजिए हमारे पास देखिए एंट्री ज़्यादा है ना, यहाँ पे कितनी है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन, एड्रेस टू, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, होम, वर्क, फोन, ईमेल एड्रेस, इतना दिया। हम इसमें कम भी कर सकते हैं, मान लीजिए डिलीट एंट्री करना है, या फिर हमें क्या करना है, कस्टमाइज कॉलम, उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइटल रहने दीजिए, देन लास्ट नेम हटा देते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम्स को भी कम कर सकते हैं। एड्रेस का एक लाइन हटा दे रहे हैं, कंट्री लीजिए हटा, क्योंकि हम लोग इंडिया वाले हैं, इंडिया में ही काम करेंगे। वर्क फोन हटा दे रहे हैं हम यहाँ से, ईमेल एड्रेस करना चाहिए, होम इसको भी हटाते हैं आपका। अब हमारे पास इतना ही ऑप्शंस है, तो अब देखिए हमारे पास इतना ही ऑप्शंस फिल करने के लिए बच रहा है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी डेटा तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करते हैं हम जानते हैं, जैसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ हमने लिख दिया रत्नाकर, क्या लिखा, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ईमेल, हमने ईमेल यहां पर डाल दिया, ईमेल पर डाल दिया आराम से यहां पे। फिर उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, हम यहां से क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद सेव करने के बाद हमें अगला लिखना है, तो हम अगला कॉलम ले लेते हैं, यहाँ से लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या क्या इतना डेटा तैयार कर दिया इतना डेटा तैयार, और हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे, ठीक। अब हमारे पास ये सेव का ऑप्शन आएगा, हम लोग कहाँ सेव करते हैं, डेस्कटॉप में, इसको 159 के इस नाम सेव करते हैं। सेव कर दिया हमने, इसमें स्पेशल करेक्टर हो गया, ये सेव नहीं लेगा, 159 के नाम से हम लोग इसको सेव करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ से क्या हो गया, एडिट रिसिप्ट, अब हम लोग इसमें से कुछ भी एडिट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमारे क्लियर हैं कि हम ये लोग इस पर क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को अगर फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है, कुछ भी करना, मान लीजिए सॉर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। फिल्टर करना है, कौन कौन सा फिल्टर करना है, फिल्टर कर लेंगे हम लोग। फाइंड अपडेट्स कर लेंगे, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास क्लियर हैं कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। फिर एडिट रिसिप्ट लिस्ट हमने देख लिया, बचा एड्रेस बुक। अब एड्रेस बुक भी हम लोग यहाँ से रत्नाकर प्रयागराज, जैसे मान लीजिए हमें कहीं भी डिलीवरी करनी है, तो ये वाला ऑप्शन हमने बताया नहीं है आपको। देखिए यहाँ डिलीवरी एड्रेस होता है, रिटर्न होता है, तो यहाँ से हम कुछ भी लिख करके रिटर्न डिलीवरी कर सकते हैं, जिस नेम पे, जिस एड्रेस पे, वो यहाँ से हम लोग प्रिंट भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे की बात अगर करें, तो आगे हमारा क्या है, ग्रीटिंग लिंक है, तो यहाँ से हम लोग ग्रीटिंग लिंक कर सकते हैं, इंसर्ट मर्ज कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या, फर्स्ट नेम, देखिए यहाँ फर्स्ट नेम जो भी हमने सेलेक्ट किया रहेगा वो ऑटोमेटिक लेता जाएगा। हमने एड्रेस एड्रेस भी कॉपी कर लिया। रूलर हम लोग यहाँ कहाँ कर सकते हैं, मर्ज सेंटेंस, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट सेटअप, बुक मार्क, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। मैच फील्ड की बात करें, तो हम लोग मैच फील्ड में भी अपने ऑप्शंस भर सकते हैं और जान सकते हैं उसके बारे में।
प्रीवियस रिजल्ट की बात कर रहे थे, जो हमारा पिछला आउटपुट आया था उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। फाइंड रिसिप्ट की बात करें तो हम लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, हमने इसको होम मेनू में पढ़ लिया है। फिनिश मर्ज क्या लिखा हुआ, फिनिश एंड मर्ज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिनिश भी कर सकते हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं और दोस्तों मर्ज भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा मेलिंग ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, मेलिंग ऑप्शन। हम आशा करते हैं कि ये ऑप्शंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हमारे पास बचे हैं सिर्फ दो मेनू जिसको हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों रिव्यू पे, किसी बात करने वाले हैं, रिव्यू मेनू पे बात करने वाले। तो रिव्यू पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, स्पेलिंग एंड ग्रामर दिया हुआ है। सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं क्योंकि जो फॉन्ट है थोड़ा कम समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इसकी, किसकी बात कर रहे हैं, मेलिंग की, मेलिंग हो गई है, रिव्यू की बात करते हैं। तो रिव्यू में सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि इसका स्पेलिंग एंड ग्रामर सही है या नहीं। अगर सही है तो वंस इग्नोर, देखिए यहाँ से रेड मार्क चला जाएगा दोस्तों, देखिए रेड मार्क चला जाएगा, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग तुरंत यहां से इग्नोर आल कर देंगे, तो उसके बाद हमारा सारा जो है इग्नोर हो जाएगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है समझ जाएगा कि स्पेलिंग सही है या फिर ये नाउन है दोस्तों, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक नियम होता है कि उसको जो लगता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक नियम होता है, उसको जो लगता है कि गलत है उसके नीचे रेड मार्क लगा देता है, रेड लाइन कर देता है क्रॉस की, ठीक है। तो उससे क्या समझ में आता है कि गलत है या सही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रिसर्च, तो हम लोग रिसर्च करते हैं, किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ से इंटरनेट से कनेक्ट करके हम लोग कोई भी चीज़ आसानी से रिसर्च कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, थीसिस आता है, जो हमारा ये आता है अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमारा क्या, इंटरनेट से कनेक्ट करके हम लोग ये सारे ऑप्शंस को क्लियर कर सकते हैं। ऑल रेफरेंस बुक को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो भी बुक्स वगैरह हैं हम लोग यहाँ सर्च करके आराम से हम लोग यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और हमारा बचता है एक ट्रांसलेट, क्या बचता है, ट्रांसलेट। अगर हम ट्रांसलेट की बात करें, किसकी बात करें, ट्रांसलेट की बात करें, तो इंग्लिश टू हिंदी दिया हुआ है, इंग्लिश टू हिंदी दिया हुआ है, हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे। आप लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ ऑनलाइन होता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये ऑफलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। कैसे ट्रांसलेट करते हैं इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे, कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया क्या, माई नेम इज रत्नाकर, ठीक, हमने क्या लिख दिया, माई नेम इज रत्नाकर। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्च करेंगे, क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अब देखिए क्या होगा, नीचे लिख के आ गया कि मेरा नाम रत्नाकर है, देखिए ट्रांसलेट हो गया कि नहीं हो गया, ट्रांसलेट हो गया। जो काम हम लोग गूगल में करते हैं वो काम माइक्रोसॉफ्ट में भी कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड में हम लोग कर सकते हैं, कोई भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें लिखना क्या हुआ, आई लव यू, देखिए आई लव यू लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सर्च करेंगे, जब हम सर्च करेंगे देखिए नीचे आ जाएगा मुझे तुमसे प्यार है, आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग कोई भी चीज़ आसानी से अगर हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड है, जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ आसानी से दोस्तों हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, सब कुछ हम लोगों के हाथ में होता है, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन स्क्रिप्ट ट्रिप्स होता है, अब ये कह रहा है किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, किस कंट्री में करना चाहते हैं, तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। हम लोग सेलेक्ट लैंग्वेज कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना है, तो ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे दी हुई हैं, कौन सी लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करना है वो ऑप्शन से यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन में देना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें वर्ड काउंट की, किसकी, वर्ड काउंट की बात करें, तो वर्ड काउंट का मतलब क्या होता है कि ये बता देगा आपको जो है कि कितने वर्ड्स, कितने पैराग्राफ्स, कितने पेजेस, करेक्टर नो स्पेस, करेक्टर विथ स्पेस, ठीक है, पैराग्राफ्स लाइन, इसका एक शॉर्टकट की होता है दोस्तों, जानते हैं क्या होता है, इसकी एक शॉर्टकट की होता है दोस्तों, वो होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है दोस्तों, आप लोग जान लीजिए जल्दी, आप लोगों को कोई नहीं बताएगा ना कहीं मिलने वाली है। तो आप लोगों को वर्ड काउंट करने के लिए, यानी कि आप लोग जब भी कभी स्पीड नापते होंगे, अपना टाइपिंग का स्पीड नापते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है दोस्तों। तो आप लोगों को वर्ड काउंट स्पेस विदाउट स्पेस, हम लोग वर्ड्स लाइन पैराग्राफ्स को अगर काउंट करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी,
सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस जी। देखिए हमने कर दिया यहां पे, ये देख लीजिए आप लोग लिख लीजिए इसको ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, हम इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं। सी टी आर एल होगा यहाँ, ए टी आर एल हो गया भाई। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी हमारा क्या है, शॉर्टकट की है वर्ड काउंट का। हम लोग कोई भी चीज आराम से काउंट कर सकते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, उसके बाद बात करें हम न्यू कमेंट की। किसकी बात करते हैं, न्यू कमेंट की बात करते हैं अगर, तो न्यू कमेंट भी हम आसानी से यहां से कर सकते हैं। हमें जैसे कि इस पे कमेंट, जी पे कमेंट देना है कि रॉन्ग, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रॉन्ग पे क्लिक करके हम लोग आराम से क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। हम लोग कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, न्यू कमेंट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया, क्या किया, इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से डिलीट कर दिया, लीजिए देखिए डिलीट हो गया। प्रीवियस कमेंट पे जा सकते हैं हम लोग कि प्रीवियस कमेंट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट कमेंट कौन सा है। तो हम लोग जितने भी कमेंट्स देंगे हम लोग क्या करेंगे, उस पे आसानी से इधर उधर जा सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें ट्रैक चेंज की, किसकी बात करें, ट्रैक चेंज रास्ता बदलने की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी ट्रैक चेंज कर सकते हैं भाई, कोई भी रास्ता हम लोग यहां से बदल सकते हैं। ये देखिए हमारे ऑप्शंस हैं, हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, मूव्ड इधर उधर कर सकते हैं, हम लोग डेलीगेशन इंटरेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास क्लियर हैं, ध्यान रखिएगा, बस आप लोगों को यूज करना आना चाहिए। किसी को कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बैलून्स हैं, क्या है, बैलून्स हैं, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बैलून्स देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ क्या कर रहा, सो रिविजन इन बैलून्स, तो ये क्या हमारा जो ये पूरा एक बैलून्स का शेप होता है जिससे हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये फाइनल मार्कअप होता है जो फाइनल रो से दिखा रहा है, सो मार्कअप कमेंट इंक, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। रिव्यू पैनल इधर साइड में दे देगा कि आपका क्या क्या है, कैसे कैसे है, ये साइड में एक पेज ओपन करके बता देगा दोस्तों कि किसमें कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को ये दे देगा दोस्तों। उसके बाद की अगर हम बात करें एक्सेप्ट और रिजेक्ट की, तो ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा, देखिए गायब हो गया ना, और हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से रिजेक्ट भी कर दिया, देखिए ठीक है, तो भी गायब। प्रीवियस, नेक्स्ट, ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास वर्ड को क्लियर करने के लिए। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, प्रीवियस कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज का कंपेयर करना, कंबाइन करना, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करें ताकि हमारा कोई फोल्डर ओपन ना करे, ओपन करे तो यूज ना कर पाए, उसमें कुछ भी एडिटिंग ना कर पाए। ये जो है हम अपने कंप्यूटर में कैसे देंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो हम लोग रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एडिटिंग होता है, क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एडिटिंग होता है, तो उसकी अगर हम बात कर लें तो हम लोग प्रोटेक्ट का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद यस स्टार्ट प्रोटेक्शन, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक बार फिर से देखिए आप, हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, जिसका पासवर्ड हम लोग डालेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, फिर इसमें भी डालेंगे 1 2 3 4 5, हम लोग क्या करेंगे, ओके करेंगे। अब हम लोग ओके कर दिया, इसमें कुछ भी लिख नहीं सकते हम लोग, देखिए कुछ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारा ये फाइल सेव हो चुका है। इसमें अगर हमें कुछ लिखना है तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन, यहाँ डालेंगे 1 2 3 4 5। जब हम लोग यहाँ ओके करेंगे तो यहाँ हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हमारा जो है स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि प्रोटेक्शन भी हम लोग एमएस वर्ड में दे सकते हैं, कोई भी पासवर्ड हम लोग सेट कर सकते हैं दोस्तों, ये भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, ध्यान रखिएगा। आप लोग एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए, मजा आने वाला है। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें तो ये होता है हमारा व्यू, क्या है,
व्यू, अब हम लोग बात कर रहे हैं व्यू ऑप्शन में, किसमें पहुंच गए हैं, व्यू में पहुंच गए। अगर हम व्यू की बात करें तो प्रिंट लेआउट, अब ये प्रिंट लेआउट की बात करें तो ये बताएगा कि इसका जो लेआउट है उसको प्रिंट कैसे होगा। ये सारे सिस्टम्स हैं, प्रिंट लेआउट हमें बता देगा कि हम लोग प्रिंट लेआउट कैसे करेंगे दोस्तों। उसके बाद की बात करें फुल स्क्रीन होता है, क्या होता है फुल स्क्रीन। अब इससे क्या होगा, हमारा पूरा पेज फुल स्क्रीन हो जाएगा। फुल स्क्रीन मतलब होता है कि पूरे कंप्यूटर पे जो है दोस्तों ये फुल स्क्रीन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास व्यू ऑप्शन होते हैं और यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन होता है, तो हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद अपने पेज पहुंच जाएंगे। अब हमारा वेब पेज कैसे कनेक्ट होता है, वेब पेज कैसे दिखता है उसकी बात करें तो ये यहाँ पे जाएंगे तो वेब पेज बताएगा कि वेब पेज ऐसे होता है, ऐसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे यूज होता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन रीडिंग है, वेब लेआउट है, आउटलाइन भी है हमारे पास। क्या है, हमारे पास आउटलाइन है, हम लोग आउटलाइन भी दे सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, आउटलाइन भी हम लोग दे सकते हैं। हमारे पास सारे ऑप्शंस क्लियर हैं, ध्यान रखिएगा आप। यहाँ से हम लोग आउटलाइन देखेंगे, ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, हम लोग सेव कर लेंगे, बाद में उसको सेंड करेंगे, बाद में यूज करेंगे, कुछ दिनों के बाद उसे यूज करेंगे। वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसके साथ क्या बिहेव करते हैं, कि डिलीट करते हैं, कि यूज करते हैं, कि गड़बड़ हो गया है, कि सही हो गया है, क्या हुआ है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग कैसे उसको यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें, थोड़ा सा और आगे अगर चले तो हमारा रूलर है, यहाँ से हम रूलर हटा देंगे, देखिए हमारा रूलर बार यहाँ से गायब हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, देखिए ध्यान से, रूलर बार हमारा यहाँ से गायब हो जा रहा है, जो हम क्लिक कर रहे हैं रूलर बार गायब। अगर हम बात करें ग्रिड लाइन की तो ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ग्रिड लाइन आ जाएंगे, अगर हटाएंगे तो यहाँ से ग्रिड लाइन गायब। कभी कभी ये आप लोग बाई मिस्टेक कर देते हैं, उसके बाद परेशान हो जाते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो इसके अंदर लिखाता है ना, कुछ भी किसके अंदर लिखाता है, इसके अंदर लिखाता रहेगा इसी तरीके से। तो आपको कहाँ जाना है, व्यू ऑप्शन में जाना है, हाइड एंड शो में, ग्रिड लाइन में, ठीक है। तो हम यहाँ से ग्रिड लाइन हटा देते हैं। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा डॉक्यूमेंट मैप का, कौन सा ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट मैप का ऑप्शन आता है। डॉक्यूमेंट मैप की बात करें तो हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ ऑटोमेटिक एक डॉक्यूमेंट मैप दे देगा, एक छोटा सा मैप दे देगा कि हम लोग क्या करेंगे, मैप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें थंबनेल की, तो हमारे पास ये साइड में थंबनेल दे सकता है, जैसे हमारे यूट्यूब वीडियोज में आगे फ्रंट में थंबनेल होता है ना, वैसे ही इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी थंबनेल का एक जो है प्रोसीजर होता है, वो साइड में शो करेगा कि ये आपका थंबनेल शो कर रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारा जूम है, क्या है, जूम कर सकते हैं हम लोग विथ टेक्स्ट, विदाउट टेक्स्ट, पेज विथ, तो हम लोग सारी चीज को जूम कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारा क्या है 100%, अब हमें पेज को 100% एक्चुअल पेज में करना है, तो हम लोग 100% पे क्लिक करना होगा, और हम लोग क्या करेंगे 100% पे क्लिक करने के बाद आसानी से उस पेज को 100% कर देंगे, ठीक है। वन पेज, जैसे मान लीजिए हमारे पेजेस जो है डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, हम लोग यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम कुछ पेजेस बढ़ा दिए हैं इसमें, तो अब हमारे पास काफ़ी सारे पेजेस हो गए हैं। हम रिव्यू में जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, हम लोग कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं, वन पेज का देख रहे हैं ना, हम लोग वन का पेज का देख रहे हैं, तो वन पेज पे चलते हैं। अगर हम लोग वन पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स एक पेज में ही शो करेगा, कितने में शो करेगा, एक पेज में शो करेगा। लेकिन अगर हम टू पेजेस में करते हैं तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स दो पेज में शो करेंगे, स्क्रीन पे देखिए शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शो कर रहा है ना। तो आप लोग बस ये समझिए, सीधा सा फंडा है कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम कौन से ऑप्शन में जाएं, एक पेज, दो पेज, पेज वेड्थ की बात करें, देखिए हम वेड्थ पे क्लिक करेंगे तो वेड्थ में आपको दिखाएगा, राइट में क्लिक करेंगे तो राइट में दिखाएगा। तो हम यहाँ से न्यू विंडो ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये फील हो गया है, पेजेस फील हो गया, हमें इसमें कुछ और बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो हम न्यू विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और उस विंडो को छोड़ के यही डॉक्यूमेंट उठा के हम दूसरे विंडो में आ जाएंगे। आ गए, आसानी से आ गए, देखिए आ गए हैं भाई, देखिए ये भी विंडो वही है और ये भी विंडो वही है, हो गई ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आराम से दूसरा विंडो ले सकते हैं, और अरेंज आल, जितने भी विंडो हमारे खुले हुए हैं
सबको अगर अरेंज करना हो तो अरेंज आल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, ध्यान सुनिए हमारी बात, कितने भी विंडो हमारे खुले हुए हों सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से अरेंज कर सकते हैं, अरेंज आल कर सकते हैं। ठीक, रिमूव स्प्लिट की बात देखिए, अरेंज आल को हम दिखाते हैं। देखिए हमारे तीन विंडोज खुले हुए हैं, तीनों विंडोज सामने दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं ना। तो अब सीधा सा फंडा आप समझिए कि हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, आराम से जो है हम लोग सारे विंडोज को ले सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसकी बात कर रिमूव स्प्लिट की, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्प्लिट को रिमूव कर सकते हैं। देखिए रिमूव कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें रिमूव करना है, इस पेज को ख़त्म करना है, स्प्लिट करना है, तो हम यहाँ से इस पेज को काट देंगे। कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, तो हम लोग जब हमें कहीं से पेज अगर काटना हो, पेज अगर बनाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम आगे की बात करें, तो ये है व्यू साइड बाई साइड, तो हम लोग यहाँ से व्यू साइड बाई साइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद की बात करें स्विच विंडोज़, अब एक दो तीन जितने खुले हुए हैं हम लोग किसी में भी यहाँ से जा सकते हैं, कूद सकते हैं, देखिए जो चाहे उस विंडो को हम लोग आसानी से ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एक आता है हमारा माइक्रोज, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कभी कभी आप जब लिखते हैं तो आप लोगों को मन करता है कि हम खुद से अपनी एक शॉर्टकट की बनाएं, उसमें कुछ मैटर लिखें, उसको मैटर को जाने, उस शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद उतने मैटर हमारे आ जाए, तो वही माइक्रोज का काम करता है दोस्तों। जैसे व्यू माइक्रोज में हम लोग चले गए, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम एडिट कर लेते हैं, एडिट की बात छोड़िए, हम लोग नया बना लेते हैं। चलिए माइक्रोज में गए हम लोग, यहाँ पे गए और रिकॉर्ड माइक्रो चलते हैं, माइक्रो के नाम से नहीं, हम लोग 1 2 3 4 के नाम से सेव करते हैं, कीबोर्ड द्वारा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कीबोर्ड द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कीबोर्ड द्वारा हम लोग इसको करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग बात को समझिएगा, हमारे यहाँ पे कीबोर्ड द्वारा गए हम लोग, यहाँ पे शॉर्टकट की डालेंगे, तो क्या शॉर्टकट की हम डालें बताइए, क्या डालें, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्लस वी, क्या है, नहीं ये गड़बड़ हो गया, हम थोड़ा अच्छा सा शॉर्टकट की डालते हैं, कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया ये, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्लस वी, ठीक है, क्या है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस बी, इतना हम लोग डाल के असाइन करके क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं कुछ भी, देखिए लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक, क्या करते हैं हम लोग यहाँ से इसको स्टॉप कर देते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, फाउस रिकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। हम आगे की अगर बात करें इसमें, तो माइक्रोज में जाते हैं और हम क्या किए थे, कौन सा चलाए थे अभी, माइक्रोज वन था हमारा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ भी प्रेस कर देते हैं, देखिए कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस वी, देखिए उतने डॉक्यूमेंट आ गए कि नहीं आ गए। तो हम लोग जब भी अपना कोई भी कंट्रोल, कोई भी शॉर्टकट की जो हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, जो शॉर्टकट की हम लोग बनाना चाहते हैं, तो यही हमारे पास ऑप्शन होता है माइक्रोज में, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों हमारे मेनू का लास्ट मेनू व्यू, अब मेनू हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम इस पे प्रोजेक्ट आप लोगों को कुछ बताएंगे, कुछ प्रोडक्ट हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे बनाते हैं, पूरे हम लोग कैसे बनाते हैं, एक एक चीज़ को हम लोग जानेंगे देखेंगे दोस्तों। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो एक बार शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, और हाँ प्रोजेक्ट का वेट करेंगे हम, प्रोजेक्ट आप लोगों को पूरा पढ़ाएंगे, एक एक प्रोजेक्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, और हमारा नमस्कार।